हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। और यहाँ पे जो है, यहाँ तक का वीडियो आप लोग देख चुके हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे पत्थर थे। और मैं कभी अपनी देवरानी का वीडियो बना रही थी, कभी वो मेरा वीडियो बना रही थी, तो मैं बोल रही थी कि अब तू मेरा वीडियो बना। तो देखिए, इतनी प्यारी जगह है माँ के मंदिर के पास ना, कि मैं पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। और यहाँ पे जो है, इतने ज़्यादा पत्थर है ना, बहुत ज़्यादा पत्थर। तो माँ की मैंने भेंटे भी गाई है और आप लोगों को सुनाऊंगी भी, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। आसपास का खूबसूरती का नज़ारा लीजिए। तो ये देखिए, आ चुकी हूँ मैं मंदिर में, पहुंच चुकी हूँ। सबसे पहले कर लीजिए माता रानी के दर्शन। वो देखो, पिंडी रूप में विराजित है महामाई यहाँ पे, और सब लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं सब लोगों के लिए, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं। और मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे बताऊंगी कि यहाँ का क्या था, कैसे था, जो भी था। माँ नैना देवी क्यों बसी इतने दूर अकेले में आके। तो चलिए, अब मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ, ठीक है? आई जा सवेरे है शायद, जोता जगियो मंदिर तेरे तू दर पे, आई जा सवेरे। हाँ, पहले जोता जगियो मंदिर तेरे तू दर पे, आई जा सवेरे। ओ जोता जगियो मंदिर तेरे तू दर पे, आई जा सवेरे। हाथों में गड़बी गंगा जल पानी, हाथों में गड़बी गंगा जल पानी। ओ चरण दुलाने मैया तेरे तू दर पे, आई जा सवेरे। ओ जोता जगियो मंदिर तेरे तू दर पे, आई जा सवेरे। हाथों में भैया मेरे धूप की बत्तियां, हाथों में भैया मेरे धूप की बत्तियां। ओ धूप जगने भैया तेरे तू दर पे, आई जा सवेरे। ओ धूप जगने भैया तेरे तू दर पे, आई जा सवेरे। ओ जोता जगियो मंदिर तेरे तू दर पे, आई जा सवेरे। जय हो माता नैना देवी माता, नमस्कार करना सुचे भाषा कुल सुख माफ करे माता, गलती पलती माफ करे अरे बच्चे माता रानी महामाई। ओ माता रानी नमस्कार, सभी देवता नमस्कार। ओ मां पहाड़ा वाले सुनिए मेरा करारा,
और ये तेरी चुनरी, ये तेरी चुनरी। आज मामा दिल मंदिर आऊंगी मैं आज, है ना, ठीक ठाक लगना मेरे को। और ये तेरी मोरी, जय सचिवान। वो इसे 10 रुपए आज 60 रुपए महाराज आज पूजा पूजा मैंने कर ली है। ये देखो जी, अब माता के साथ एक फोटो हो जाए। ये सब कुछ देखने वाली है। यहाँ पे मैंने सारी प्रार्थना कर दी, सारी अर्ज कर दी भाई, और मेरे को इतना हल्का पहले महसूस हो रहा है ना, आप लोग यकीन नहीं करोगे। बहुत शक्ति है भगवान में, बहुत शक्ति है। और जो ये कुछ लोग करते होंगे, वैसे मैं विश्वास नहीं करती थी, पर अब मैं भरोसा करती हूँ कि हाँ, मैं मंदिर में बैठ के बोल रही हूँ कि माँ सबसे बड़ी तो तू ही है। अब तेरे पास ही फरियाद है सबके लिए, और अच्छों के लिए भी, बुरों के लिए भी, सबका कल्याण करना, सबके सपने पूरे करना, और सबको बहुत सारा आशीर्वाद देना। और बस जय माता दी। अब मैं सूर्य भगवान को जल दे देती हूँ। जय माता रानी। सूर्य अति आजकल निकलता भी नहीं है, दूर रहूंगा बड़े। ये है माँ का मंदिर, मैं जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ आप लोगों को, बहुत बार दिखाया है। यही वो जगह है, मैं आज काफी लोग मेरे साथ नए जुड़े तो उनके लिए मैं बता दूं, यही वो जगह है, यही वो जगह है। यहाँ पे मैं बैठी थी, ये टीन ना बाद में डाली हुई है, उस टाइम मंदिर ही था यहाँ पे, आज से 3-3.5 साल पहले। तो यहाँ पे मैं बैठी थी, मैंने माँ से इजाजत, मैंने मतलब मैं ऐसे बातें करती हूँ जैसे मैं लोगों से करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो सुन रही है, मुझे इतना यकीन है, मुझे इतना भरोसा है कि वो सुनती है और वो हमेशा सुनती है। तो यहाँ बैठी थी मैं, अकेले सोची थी मैं क्या करूं माता रानी। बच्चों ने बोला मम्मी आप नहीं कर सकते, चलते चलते सुनाऊंगी छोटा सा वाक्य आप लोगों को, ये आप नहीं कर सकते। मैंने इसे इजाजत ली, मुझे ऐसा अंदर से आवाज आई कि नहीं तू कर सकती है, तू कर सकती है और तू जरूर कर सकती है। इतनी भी नहीं है ना, दो लड़के है ना। तो ये देखिए जी, ये है महामाई का मंदिर, सबके लिए बहुत सारी दुआएं। आज मंदिर में खड़े होकर आप सबके बच्चे कामयाब बने, ये मैं माता रानी से अर्ज करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, और सबके बच्चे कामयाब बने। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे सभी लोग जो भी हैं। और बस चलते चलते अब यहाँ से एक प्यारा सा व्यू, ये देखिए। इनू चलना ना, ना पोरी जाऊंगी। तो ये देखो, यहाँ से बिल्कुल सामने दिखती है, इतनी प्यारी जगह है ना। मेरे घर कोई भी आएगा ना बाहर से, जैसे कनाडा से दीदिया बोलती आने को, या जहां से भी कोई भी, इंडिया से भी कोई आएगा, मैं यहाँ पे जरूर लेके आऊंगी। और यहाँ पे जब आप आओगे ना, आपको ऐसा लगेगा आपको दुनिया की सारी खुशियां मिल गई है, इतना प्यारा नजारा है यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं फ्रंट से थोड़ा सा बना लेती हूँ। तो मैंने माँ की भेंट भी गाई, और ये देखो पार सामने। चलो अब चलते नीचे, बैठ के खाएंगे हम लोग खाना, ये देखो। और भाई इतनी हाइट है ना यहाँ पे, बहुत हाइट है, यहाँ से लोग घास लेके जाते हैं। तो ये है मेरा हिम, मेरी माँ का वास, जहाँ पे मेरी माता रानी रहती हैं। बढ़िया है माता रानी, बढ़िया रहती है, सबसे दूर भाई, गांव लोगों के बीच में तो किच 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 निंदा बुराई, माता ने बढ़िया कर रखा है, अकेले में अपनी जगह चुन रखी है। तो यहाँ पे ऐसा होता था ना भी, यहाँ पे कोई भरोसा नहीं करता था, और यहाँ के जिन लोगों की ये कुल जाए ना, उनको सपने में आई माता कि मैं यहाँ पे जमीन खोदो और नीचे ना मैं यहाँ पे मैं पिंडी रूप में विराजित हूँ। फिर लोगों की मान्यता यहाँ पे बड़ी थी, नहीं तो यहाँ तो कोई भी नहीं आता था, डरते थे आने से लोग अकेले में, इतना भयानक जंगल लगता था। देखो जिन भाइयों ने ना, जिन मतलब मिलाऊंगी आप लोगों को कभी उन लोगों से, उन्होंने यहाँ पे ना ऐसे रौनके लगा दी। हर साल वो यहाँ पे जगराता करते हैं, और चारों भाई और एक देवधार वाले के जो है वो पुजारी हैं माता के, बहुत ही मतलब भगत हैं। तो हम भी हर साल आते हैं यहाँ पे जागरण करने, ये देखो। तो चलिए यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लोर कर दिया, आपको दिखा दिया, और ऐसा लगता है जैसे वहां से क्यों आई,
नजदीक ही माता, यहाँ पे आके तो बोल रही हूँ ना मैं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मैं कमियां अपने पे भी निकालती हूँ। अरे कभी आगे 5-7 दिन बाद माँ के साथ बातें करी यहाँ पे बैठ के आराम से, है ना, अकेले में बड़ा मन को बड़ा शांति मिलती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नीचे जंगल में जाके खाना खाते हुए। जय माता दी। ये है हमारा हलवा, पहले क्या खाते है आपने थाली में ले लिया, उधर खा लूंगा के जे ना मान लूं थाली ना सची। हां तो चाकू दूंगा दे दी, दूंगा जी खाता ये खा यार। ऐसे खा पहले आलू है ये सारा नहीं, मुंह कभी कथा कितना देना ये भवानी थोड़ा सा खा जो जोर दी देता भुक्ता और लेना। ये हो गया रेखा को जी, और ये हो गया मेरे लिए बहुत है, मैं इतना तो खा ही नहीं पाऊंगी। और ये हो गया इनके लिए, फोटो खींच मारे लो चक्कर हो। देखो पार है। ये आ जाओ आप, आ जाओ देखो हलवा टेस्ट करके। जय माता दी। रोटी याद बनो तो भाई क्या करे ऐसे आज। तो जी हो चुका है हमारे पास घास, घास काटा फिर हमने, पता है वीडियो नहीं बनाई घास काटते हुए। आप सभी लोग बोलते हैं कि वीडियो बनाया करो घास काटते हुए, तो ये देखो ये रहा हमारा घास, वो बैठे आने के पापा। ये हमारे जो देखो इस आदमी को गौर से, इसकी तलाश पूरी दुनिया कर रही है, देखो इस आदमी को गौर से और पहचानो उसकी पहचान, सिर में पीला पटका साथ में डॉगी बैठा मिला, साथ में डॉगी बैठा है। तो मैं ना वो लगा लेती हूँ गड्डी, और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। गुड़नी नहीं, पर मैंने मेरे से गुड़ी नहीं जाती, मेरे को बोलते हैं ये बाजू बिल्कुल नहीं हिलते, मेरे को बोलते हैं काम करने को। आप ही बोलो इनको, आप ही समझाओ मेरे पति को। टाइटल दूंगी मैं आज का, आप ही समझाओ मेरे पति को कितना दिमाग खराब है इनका। हाय बड़ा अच्छा चलेगा, लोगों ने बोला पता नहीं कौन सी गालियां दे रही है। आजकल करना पड़ता है, क्या करें भाई, लोग आते ही तभी है, व्यूज ही तभी आते हैं, सीधे सीधे चल के रहो तो फिर लोग सोचते हैं कुछ नहीं है। खास करना हमारे नजदीक के लोग ना बड़े शौक से देखते हैं कोई वीडियो मेरा, कोई मैं नया काम करती हूँ, नया टाइटल डालती हूँ ना, बड़े शौक से देखते हैं। पता है क्यों देखते हैं? मेरी भलाई के लिए थोड़ी देखते, ये देखते हैं कि यहाँ नमक मिर्च लगाने का मजा आएगा। एक बात बता दूं मैं तुम्हारे को, मैं अपने आस पड़ोस वालों को बोल रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, मैं इतनी कच्ची नहीं हूँ, मेरे को 3 साल हो गए, मैं कोई भी जो परिवार की बात होती है वो नहीं लाने वाली, जो तुम सुनो और फिर तुम आगे माचिस लगाओ तुम्हारे को कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे। पता है मैं बाकी लोगों को बताऊँ एक चीज, जब भी कभी ऐसा नया टाइटल दे दूँ ना, सास ने किया ऐसा क्यों किया, देवराय ने वैसा क्यों किया, फटाफट आती है वो, पता है वो भी उसकी उबरते क्योंकि वो मेरे गाँव के बड़े लोग होते हैं ज्यादा, तो वो सोचते हैं आज कुछ पक्का मिर्च मसाला होगा, फिर हम बोलेंगे वो उसने वीडियो में ऐसा बोला है। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मैं सिर्फ ना